हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं पवन राव. आज मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में, जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं. ज्योमेट्री में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और आज के लेसन में हमें पढ़ना है, कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं. आज के लेसन में हमें पढ़ना है कोड से रिलेटेड थ्योरी. मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, एक लेसन आप लोगों के लिए मैंने उसका बनाया है. अगला लेसन फिर मैं आपको जो उसमें इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट बच गए उसको आज की क्लास में समझाता हूँ और ये थ्योरी आपके कंप्लीट सोल्व हो, अच्छे से आपके दिमाग में आए, उसके लिए मैं आपके लिए एक या दो क्वेश्चन समझाता हूँ. ध्यान दीजिए बोर्ड पर. पहले थ्योरी कंप्लीट करवाता हूँ, उसके बाद उस पर बेस्ड दो तीन क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट सोल्व हो जाए. अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल है जिसकी यहाँ से यहाँ तक दो कोर्ड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर. ये ए बी है और दूसरा सी और डी है. इस प्रकार से भी तो ये दोनों अंदर इंटरसेक्ट करेंगी और अगर इस प्रकार से भी तो ये दोनों एक दूसरे के बाहर इंटरसेक्ट करेंगी. अगर इस प्रकार से हैं तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी और दो कोर्ड्स अगर इस प्रकार से हैं तो एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट करेंगी. थोड़ा सही इंटरसेक्ट करें इसलिए थोड़ा सा डायग्राम सही बना रहा हूँ. इस प्रकार से ये मान लो ए बी है और ये मान लीजिए सी और डी है. ए बी और सी और डी इसको आगे बढ़ाने पर ये मान लो पी पर इंटरसेक्ट करें और ये इसका सेंटर है ओ. आगे बढ़ाया तो बाहर इंटरसेक्ट कर रही है और ये इसका सेंटर O है. मान लीजिए A व C के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल अगर X है, A व C के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल मान लीजिए X है, B व D के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल मान लीजिए Y है, B व D के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल मान लीजिए Y है. तो ध्यान रखना जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन सा एंगल, एंगल ए पी सी मान लीजिए आप लोग, एक तो एंगल ए पी सी या एंगल बी पी डी. मैं आपको बता चुका हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लास में मैं समझा चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ. वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बी पी सी, बी पी डी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई. इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं. कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं वो तो मैं आज की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे. अंदर इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पर बना एंगल दोनों के सम का आधा होता है और एक चीज़ ध्यान रखना है, बाहर इंटरसेक्ट अगर करें तो यहाँ पर बना एंगल जो होगा कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला पी एंगल. इसको आप लोग ए पी सी बोल सकते हो या इसको बी पी डी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो. यहाँ पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा, एंगल एक्स माइनस एंगल वाई का जो डिफरेंस है उसका आधा होता है. दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखना. और कुछ लोग इसको यहाँ से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और वो सोचते हैं मेरा काम खत्म. लेकिन जैसा आप लोगों को पता है मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग इनको बेसिक से करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मैं अभी क्लास में भी करवाने वाला हूं जो आप लोग गलत नहीं करोगे. और अगर आपने यहां से इनका सिर्फ इतना सा थ्योरी पढ़ ली तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर सकते हो. कैसे, देखिए पहले तो मैं इसका बेसिक समझाता हूँ फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पर मैं बताता हूँ. ध्यान दो, दोनों को मैं कोशिश करता हूँ समझाने की ताकि आपको सही और अच्छे से समझ में आए. दोनों को अलग अलग दो पॉइंट हैं, दोनों समझाता हूँ मैं आपको. ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ से इस प्रकार से अगर अपने पास है एक सर्किल है, ये इसकी दो कोर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. मान लीजिए ये इस प्रकार से हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए पी पर, ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए पी पर और ये इसका सेंटर है अपने पास ओ. आपको सही और ज़्यादा समझ में आए इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा मार्कर यूज़ लेते हैं. यहाँ से ए व सी के द्वारा सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर बना एंगल मान लीजिए एक्स है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल मान लीजिए एक्स है और बी व डी के द्वारा मान लो सेंटर पर बना एंगल, ये जो वाला एंगल है ये मान लीजिए वाई है. ए व सी के द्वारा सेंटर पर बना एंगल एक्स है और बी व डी के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई है तो ध्यान दो ये कैसे आया, मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि यहाँ पर बना एंगल दोनों के सम का आधा कैसे आया. देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको सही और अच्छे से समझ में आए.
ये इस प्रकार से ए बी और ये है अपने पास सी और डी और ये इसका सेंटर ओ है। इसके द्वारा बना एंगल अगर अपने पास एक्स है, इसके द्वारा बना एंगल मान लीजिए एक्स है, जो ब्लू से मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, ये मान लो एक्स है और इसके द्वारा इस पर बना एंगल मान लो वाई है। तो कोशिश करना समझने की, आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। किसको मिला दिया आपने? ए से डी को मिला दो। एक छोटा सा काम करो, आप लोग ए से डी को मिला दीजिए। और क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने से पहले जितने भी वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ ट्रायंगल के, और जितने भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ सर्किल के, उनको आप लोग, ये पॉइंट पी है, उनको आप लोग पहले देखिए ताकि ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है अपने पास, ये इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल जो है एक्स, सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल एक्स है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर इधर जो एंगल बनेगा वो क्या अपने पास एक्स बाई टू होगा क्या? इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल यहाँ से यहाँ तक, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल वाई है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये क्या वाई बाई टू होगा क्या? किसी आर्क द्वारा सेंटर पर वाई है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल वाई बाई टू। और मुझे बताइए ये एंगल या ये एंगल, कोई सा भी एक नाम दे दो, क्या ये वाला जो एंगल है पी ए डी ट्रायंगल की बात करें तो बाह्य कोण क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? तो ये वाला जो कोण आ जाएगा अपने पास, ये वाला एंगल, मुझे ये बताइए ये वाला एंगल क्या एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू ही आएगा क्या? बाह्य कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हाफ कॉमन ले लोगे आप लोग तो ये आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। तो ध्यान रखना जो ये वाला जो एंगल होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो उधर वाला जो एंगल होगा वो भी अपने पास हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई हुआ। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जहाँ भी बैठे हैं आप लोग, मैंने कहा है पढ़ाने का तरीका मेरा एक ही होगा, मैं पूरा कंप्लीट बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको सही समझ में आएगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ हाँ या ना आप लोगों को बोलना है जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइज करो और उसको वापस देखो। जितनी थ्योरी होगी वो कंप्लीट अपनी सोल्व होगी। अगले पॉइंट पर हम लोग फिर से चलते हैं। देखिए दो पॉइंट मैंने इसमें आप लोगों को बताए, एक तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को बताया है और एक दूसरा पॉइंट मैं फिर से आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए ध्यान देना बोर्ड पर, इस प्रकार से है, दोनों अगर बाहर इंटरसेक्ट करें, फिर से सिखाता हूँ, इस प्रकार से अगर हुई ए बी और सी डी, दूसरा बाहर अगर इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का हाफ कैसे आया वो मैं समझाता हूँ। ये इस प्रकार से है, ये बाहर P पर इंटरसेक्ट कर रही है मान लो, तो इनके द्वारा सेंटर पर बना एंगल, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर X है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल Y है, हमें वो P पर बना एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान देना एक पॉइंट, जैसे ही मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हर चीज़ का मैं क्यों बताऊँगा सर्किल में, लेकिन जैसे आप लोगों से पूछूँ आपका जवाब होना चाहिए उधर से, या तो आपको आता है, नहीं आता तो इसको पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो, अगर आप लोगों को ज़्यादा और अच्छे से समझना है तो। फिर मैं समझाता हूँ, आप लोग एक काम कीजिए, कैसे आया वहाँ पर बना एंगल इनका डिफरेंस का आधा, आप एक काम करो बी से सी को मिला दो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, बी से सी को मिला दीजिए। इस आर्क द्वारा, ये जो आर्क है मुझे बताइए, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल है वो क्या एक्स है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास एक्स बाई टू होगा क्या? किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल एक्स है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल एक्स बाई टू। और मुझे बताइए इस बी डी आर्क द्वारा ए सी के द्वारा सेंटर पर अगर वाई है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या ये वाई बाई टू होगा क्या? ये अगर सेंटर पर वाई तो सर्कमफ्रेंस पर वाई बाई टू, सेंटर पर एक्स तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर एक्स बाई टू। और ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एक बार आप लोग थीटा मान लीजिए और मुझे बताइए थीटा प्लस वाई बाई टू क्या एक्स बाई टू के बराबर होगा क्या? बाह्य कोण ट्रायंगल बी सी पी में बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो थीटा प्लस वाई बाई टू बराबर होगा किसके? एक्स बाई टू के।
तो थीटा का मान ये फाइंड आउट करना है, एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू, दो यहाँ से नीचे से कॉमन ले सकते हो, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचा एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। क्या आज आप लोगों को समझ में आया क्या कि ये हाफ ऑफ एंगल एक्स माइनस वाई आया कैसे? ये इस प्रकार से आता है, आप लोग ध्यान रखना। अब मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने कोड में पिछला लेक्चर और ये लेक्चर दोनों कोड से रिलेटेड हैं, दोनों लेसन मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कभी भी कोड को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो ए से मिलाने वाली लाइन एंगल को बाइसेक्ट, सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, इक्वल कोड सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, इक्वल कोड सेंटर पर हमेशा इक्वल एंगल बनाती हैं, दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, बाहर इंटरसेक्ट करें तो भी PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, एक सिर्फ टच करे और एक इंटरसेक्ट करे तो PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। पिछले लेक्चर में, पिछले लेसन में यहां तक मैं समझा चुका था, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर दो कोर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करें तो वहां पर बना एंगल दोनों के सम का आधा, उनके द्वारा सेंटर पर एक्स और वाई है तो सम का आधा, बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करें तो वहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से और ढंग से समझ में आएगा। देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की, कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में सोल्व करवाता हूं जिससे आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरी पढ़ते ही उस पर बेस्ड 300, 400, 500, 200, 150, 100 क्वेश्चन नहीं करने, और उसके बाद ऐसा होगी कभी कर ही नहीं रहे हो, थ्योरी के साथ कर लिए फिर कभी कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आपको ना तो थ्योरी कभी समझ में आएगी ना आपको क्वेश्चन कभी समझ में आएगा। थ्योरी के साथ आपको एक दो क्वेश्चन जो करने हैं वो इसलिए करने हैं ताकि आपको एक बार वो थ्योरी कंप्लीट समझ में आ जाए, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करने हैं। पहले थ्योरी पढ़ो, उनके साथ एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन कर लो बस, और फिर उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चंस एक साथ अच्छे क्वेश्चंस और करने हैं, तभी आपकी क्लियर थ्योरी होगी। ऐसा वहां पर नहीं आता कि ऊपर लिख कर देगा कि टेंजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है तो चलो सिर्फ कोड टेंजेंट पर ही दिमाग लगाना है, ये कोड पर बेस्ड क्वेश्चन ऊपर लिख दिया कि ये तो जीवा पर संबंधित क्वेश्चन है तो जीवा वाला दिमाग लगाना, ऐसा नहीं आता। तो ये समझने के लिए मैं आपको दो तीन चार क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आपको थ्योरी के बाद एक साथ भी खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपके फिर मिक्स होकर जब क्वेश्चंस बनेंगे सभी से ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल एक ही क्वेश्चन में अगर सारे पॉइंट डाल दे तो भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो पिछले मैंने कोड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट पिछले में मैंने एक दो क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पिछला लेसन के भी और इस जो लेसन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो इसने कहा कि ए बी व्यास है, ए बी व्यास है और सी डी एक ऐसी जीवा है जो उसकी रेडियस के बराबर है। क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ए बी इसका व्यास है, थोड़ा सा क्योंकि नीचे चला जाएगा जो बोर्ड से बाहर चली जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, छोटा थोड़ा छोटा डायग्राम बनाते हैं ताकि बोर्ड पर ही रहे। देखो ध्यान देना, इस प्रकार से अपने पास एक सर्किल है और ये इसकी ए बी व्यास है और सी डी एक ऐसी जीवा है इसकी जो इसकी रेडियस के बराबर है, सी डी एक ऐसी जीवा है जो इसकी रेडियस के बराबर है और ए सी और बी बी डी को आगे बढ़ाया जो पॉइंट पी पर मिलता है और सी डी इसकी रेडियस के बराबर है, सी डी जो है वो इसकी रेडियस के बराबर है, तो बताइए पी पर बना एंगल बताओ। और देखो आज की क्लास में मैं आपको इसमें दिमाग चलाना सिखाता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको माइंड चलाना है किस प्रकार से करना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन, सी डी बराबर है आर के, दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन जो 2013 ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक 2013 मेंस का क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस प्रकार से ए बी और सी डी दो कोर्ड्स एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी डी, क्वेश्चन लैंग्वेज में था मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ए व सी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, ए व सी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, ए ओ सी एंगल, ए ओ सी जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 90 डिग्री और एंगल बी ओ डी जो दिया हुआ है हम लोगों को बी ओ डी वो दिया हुआ है 80 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ ए पी डी हम लोगों से ये पूछा है।
ए ओ सी द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री है और बी ओ डी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 80 डिग्री है, देन हमें ए पी डी पूछा था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा था। और लगभग ये जो क्वेश्चन है नहीं आता था, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं आता था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आ रहा था उनके 90% स्टूडेंट्स ने ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत किया था। क्यों? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी 90% ने गलत इसलिए किया, जिनको आ रहा था उनको लगता है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर बना एंगल दोनों के, सर ने भी समझाया और हमें पता भी है कि दोनों के सम का आधा होता है, इन दोनों को सम ऐड किया तो 170 और उसको आधा कर दिया तो अपने पास आ गया 85, और 85 ऑप्शन में भी था, स्टूडेंट ने देखा तुरंत टिक कर दिया और अपना आंसर आ गया। ऑप्शन इस प्रकार से थे ए बी सी और डी। ये पहले वाला क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये जो अगले वाला पॉइंट है उसको मैं समझाऊंगा। ऑप्शन इस प्रकार से थे 85, 95, 70 और 75। स्टूडेंट्स ने क्या किया, दोनों का हमें पता है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सम का आधा होता है, और सम का आधा देखते ही आंसर 85, और लगभग जिनको आता नहीं आता था उनका तो कहना ही क्या, लेकिन जिनको आ रहा था वो भी इसलिए गलत हुआ क्योंकि 85 तो अपने पास ये वाला एंगल होगा, अपने पास ये वाला एंगल अगर पूछा है तो ये अगर 85 आया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 85 तो ये होगा 95 डिग्री और ये वाला अपना आंसर है। जब भी मैं क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ तो लगभग 70-80% स्टूडेंट समझाने के बाद भी, पहले मैं ये फॉर्मूला समझाता हूँ तो हमेशा वो ये लगाते हैं, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझिए आप लोग। ये एंगल अगर ए व सी के द्वारा बना है ओ पर, तो ये एंगल बी व डी के द्वारा बना है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ए पी डी नहीं देकर सम का आधा जो होता है वो ए व सी, तो हमारे पास सम का आधा जो होगा वो ए की जगह पी आ जाएगा, ए पी सी दोनों के सम का आधा होता है, ध्यान रखना, या यहाँ पर पी आ जाए बी पी डी, वो अपने पास दोनों के सम का आधा होता है, ध्यान रखना। ए पी डी अगर आ गया तो वो सम का आधा नहीं होकर ये वाला निकाल लेना और 180 में से माइनस करना तो 95 डिग्री आएगा, ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूं, आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना। पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये 85 आया कैसे, मैंने कहा है 85 इस प्रकार से आएगा कि अगर आपको कभी ए पी सी पूछ ले या बी पी डी पूछ ले तो वो दोनों के सम का आधा, अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लिखवाया है एक्स प्लस वाई का आधा, तो 90 और 80 ऐड करोगे और उसको आधा करना पड़ेगा तो एंगल आ जाएगा अपने पास 85। लेकिन ध्यान रखना एंगल 85 कौन सा आएगा, ये ए ओ सी जो है तो ये ए पी सी आएगा या बी पी डी आएगा अपने पास, बी पी डी पी पर है ना, या तो ए पी सी या ओ की जगह पी लगा देना बी पी डी। हमें तो इसने जो पूछा वो हम लोगों से पूछा गया है कि ए पी डी बताओ, एंगल ए पी डी अगर पूछा आप लोगों से, ये वाला एंगल अगर पूछा है कि मैंने जो लिखा था वो मैंने एक बार मिटा दिया, ए पी डी अगर पूछे तो ये 85 अगर है और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल होगा 95, गलत मत कर देना। अब ये एक क्वेश्चन मैंने समझाया, दूसरा फिर समझाता हूँ, देखिए आप लोग। तो ध्यान रखना पूछा कौन सा है वो चेक कर लेना आप लोग, ये वाला भी पूछ सकता है, ये वाला पूछे तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा जो आया, और डायरेक्ट वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक बार मैं वापस समझाता हूँ जो क्वेश्चन अपने पास, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है, इसको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इधर ध्यान देना बोर्ड पर। ए बी व्यास है और सी डी एक ऐसी जीव है जो इसके रेडियस के बराबर है। सभी लोग ध्यान रखना अगर सी डी कभी रेडियस के बराबर है तो एक बात सभी ध्यान रखना, रेडियस के अगर बराबर है सी डी तो यहाँ पर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, एक समबाहु त्रिभुज बनाना चाह रहा है। सी डी बराबर है रेडियस के, आप लोग इसको ऐसे बनाकर नहीं बैठ जाना कि सी डी रेडियस के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर रेडियस के बराबर है इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, समबाहु त्रिभुज बनाना चाह रहा है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2-3-4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे तरीके मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं समझाने के, और सभी तरीके एक बार अगर आपको आने शुरू हो गए तो इससे आपका बेसिक तो क्लियर हो गया ही होगा, थोड़ी सी आपको चीजें ज्यादा भी समझ में आएंगी। देखिए कैसे, यहाँ से आप लोग एक काम कीजिए, इसको इससे मिला दो, ये रेडियस के अगर बराबर है तो सेंटर से इसको मिला दो तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और मुझे ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल जो होता है वो क्या 60 डिग्री होगा क्या?
इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ए से ओ तक और ओ से सी तक बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है। तो इसके सामने का एंगल ये अगर एक्स है तो इसके सामने का एंगल ये भी एक्स होगा, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये जो बचा वो बचा 180 माइनस 2x। ऐसे ही ओ से बी और ओ से डी भी बराबर होंगे, तो ये अगर वाई है तो ये भी अपने पास वाई होगा, तो वाई वाई एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, तो अपने पास ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा 180 माइनस 2y। और मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे तीन एंगल हो, चाहे चार हो, चाहे पाँच हो, चाहे छः हो, एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल 180 माइनस 2x प्लस 60 डिग्री प्लस 180 माइनस 2y, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 180 से 180 कट जाएगा, 60 और 180 मिलकर 240 बराबर, अपने पास 2x प्लस y अगर है तो x प्लस y आ गया अपने पास 120 डिग्री, दो का भाग देते ही। और x प्लस y की वैल्यू अगर 120 डिग्री है एक ट्रायंगल ए बी पी में, x और y का सम अगर 120 डिग्री है, तो ध्यान रखना ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये अपना आंसर है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किस प्रकार से देखिए आप लोग, सेम क्वेश्चन वापस समझाता हूं। और जब किसी क्वेश्चन को एक बार आप लोग दो तीन तरीके से करना सीख गए तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, बेसिक चीजें क्लियर होंगी। किस प्रकार से देखिए आप लोग, यहां पर इस प्रकार से है, ध्यान देना यहां ऐसे है, ये कोई भी अपने पास सर्किल था, ये यहां से यहां तक व्यास है ए बी, और ये इसकी एक ऐसी रेडियस त्रिज्या है जो इसकी रेडियस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसको आगे बढ़ाया तो एक दूसरे को मिलते हैं पी पर, और पी पर बना एंगल आप लोग बताइए। तो ध्यान दो, क्वेश्चन करने का तरीका होगा इसको इससे मिला दो आप लोग, जब भी रेडियस को कोण और रेडियस बराबर दे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, ये आपको ट्रायंगल से पता है। पहला तरीका एक मैं समझा चुका हूँ। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे करोगे, आप लोग ए से डी को मिला दो। सर्किल से क्वेश्चन कैसे करोगे, ए से डी को मिला दो। ये पहले वाला ट्रायंगल से कैसे किया, सर्किल से कैसे करोगे, इस सी डी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, सी डी आर्क द्वारा सेंटर पर 60 है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 30 होगा क्या, सी डी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 60 है तो सर्कमफ्रेंस पर आधा होता है, ए बी व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण। क्लास में मुझसे स्टूडेंट दो तीन बार पूछते हैं कि समकोण क्यों सर, ए बी व्यास है और ए बी डी की बात करें तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण, और ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ऊपर वाला 90 तो नीचे वाला भी 90 क्योंकि 180 होता है, ये 90 तो ये 90, ये 90 है ये 30 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ कितने डिग्री हुआ, 60 डिग्री। ये अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है, ये अपने पास 60 डिग्री था तो सेम आर्क द्वारा इधर बना एंगल 30 डिग्री, ये 30 अपने पास और व्यास द्वारा परिधि पर ये 90, तो एक स्ट्रेट लाइन थी 90 30, ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो आ गया अपने पास 60 डिग्री, ये अपना आंसर है। तीसरा तरीका, ये दूसरा तरीका हो सकता है, क्वेश्चंस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और एक बार जब अलग अलग तरीकों पर आपका दिमाग चलना शुरू हुआ तो आपके माइंड में वहाँ पर जब आप लोग जाओगे एक ना एक तरीका आपको कोई भी नया क्वेश्चन बने उसमें भी आपका दिमाग लग जाएगा। हो सकता है एसएससी ने क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बनाया हो सकता है पहले वाले कॉन्सेप्ट पर बनाया हो सकता है अगले कॉन्सेप्ट पर बनाया नया क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे। कैसे देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से है ए बी, इसका सेंटर है ओ, सी डी एक ऐसी अपने पास जीवा है जो इसकी त्रिज्या के बराबर है, इसको आगे बढ़ाओ, तो ध्यान रखना कभी भी त्रिज्या को अगर कोण की लेंथ इसके बराबर दी हुई है इसका मतलब ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो ये कोण हुआ 60 डिग्री। मुझे ये बताइए क्या अपने पास सी ए और डी बी दो कोर्ड्स हैं जिसका सेंटर पर ए बी द्वारा सेंटर पर बना एंगल ये होगा 180 डिग्री, जो
जो पहले वाली अभी भी थ्योरी समझाई है आप लोगों को कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट है, एक तो सी से ए तक कॉर्ड है और दूसरी डी से बी तक कॉर्ड्स हैं, और अगर दो कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें तो इसके द्वारा बना एंगल अगर अपने पास 60 है और ए व बी के द्वारा बना एंगल ए ओ बी जो है 180, सी ओ डी 60 है, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है 180 माइनस 60 का आधा 240 और 240 का 180 माइनस 60 120 और 120 को आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ये अपना आंसर है। ए व बी के द्वारा ए ओ बी 180, ध्यान दो ए ओ बी तो है 180 डिग्री, तो अपने पास दूसरा सी ओ बी है 60 डिग्री। तो अब इस ओ की जगह अगर पी लगा दें तो या तो ए बी पी बात एक ही है, ए पी बी जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, या इसकी जगह लगा दो या दूसरा एंगल सी पी बी, दोनों बात एक ही है, इसको सी पी बी भी बोल सकते हो, ए पी बी भी बोल सकते हो, बाहर इंटरसेक्ट करें तो ये दोनों जो एंगल होंगे दोनों के डिफरेंस का हाफ होंगे, अंदर इंटरसेक्ट करते तो यहाँ पर बना एंगल जो होता वो अपने पास सम का आधा होता। ये इस प्रकार से तो हम लोग आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने तीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन में अलग अलग क्या अप्रोच आप लोग लगा सकते हो वो आपको समझ में आए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलता कि आप लोग इसको इस तरीके से करना, जहां आप लोग पढ़ रहे हैं उस टीचर ने आपको ऐसे करवाया होगा। इस धरती पर जितने भी टीचर हैं सारे के सारे अच्छे हैं, जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं, सारे फैकल्टीज अच्छे हैं। हो सकता है किसी के माइंड में हो ये हो सकता है किसी के माइंड में ये हो सकता है किसी के माइंड में ये हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे सर ने तो इसको ऐसे करवाया था, इन्होंने ऐसे करवा दिया, तो ये हैं, ये बढ़िया हैं, ये ऐसे हैं। कभी भी फैकल्टी के बारे में, आपको सभी फैकल्टीज धरती की सारे फैकल्टीज अच्छे हैं, आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो जो भी तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है। ध्यान रखना आप लोग, कहीं भी आप लोग अकेले जो YouTube चैनल है इसको आप लोग देख रहे हो, इसको अगर कंटिन्यू देखते हो आप लोग, डेली मैं आपके लिए एक लेसन डाल रहा हूँ, इसको कंटिन्यू आप लोग डेली एक या दो घंटे पढ़ोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने वीडियो डाले, मान लो हो सकता है आपको आज के वीडियो से देखने की शुरुआत की हो सकता है आपने पिछले वीडियो से देखने की शुरुआत की हो, कुछ लोग क्या करते हैं एक दिन बैठते हैं और पूरे दिन वो सारे के सारे ज्योमेट्री के वीडियो एक साथ आप लोग देख लेते हो, कोई भी फ़ायदा नहीं होना, 1% भी फायदा नहीं होगा। क्लास में स्टूडेंट को ज़्यादा क्यों समझ में आता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है एक घंटे आता है पढ़कर चला जाता है, उसको रिवाइज करता है, फिर अगले दिन आता है, ऐसे धीरे 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 उसकी सीढ़ियाँ बनती हुई चली जाती हैं। और आप लोग क्या करते हो, YouTube जब देखते हो या कोई भी चैनल जब देखते हो एक दिन में सारा का सारा पढ़ने की कोशिश करते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, इससे आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हो, सारे फैकल्टीज अच्छे हैं, उनके पास आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी आपके नज़दीक, आप कहीं भी नज़दीक हो, आप हो सकता है यूपी में हो सकता है बिहार में हो सकता है कहीं भी दिल्ली में हो, आप लोग वहाँ पर जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को ज्वाइन कीजिए और साथ ही यूट्यूब चैनल आप लोग देखते रहिए, जिससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। ऐसा आपको नहीं मानना है कि सब कुछ मुझे तो एक दिन में ही यूट्यूब से मैं सीख लूँगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर यूट्यूब से इस चैनल से आपको कंप्लीट ज्योमेट्री सीखनी है तो आप लोग डेली या तो कम से कम एक वीडियो देखिए या दो, इससे ज़्यादा वीडियोज़ आप लोग नहीं देखो, उनको कम से कम दो या तीन बार रिवाइज करो। टाइम लगेगा, कम से कम हो सकता है 20 दिन लग जाएं ज्योमेट्री में, अगर आपको कुछ नहीं आता तो। कहीं साथ पढ़ रहे हो किसी फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हो, वहां पढ़ लिया ज्योमेट्री, उसके बाद फटाफट आप लोग सारे वीडियोस भी 3-4-5 दिन में देख सकते हो, लेकिन एक साथ सारी ज्योमेट्री मत देखना, जिसको अगर कोई शुरुआत ही अगर कर रहा है तो। और इस चैनल पर मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता, जीरो है, वो भी इस चैनल से सीख सकता है, और जिसको कुछ चीज़ें आती हैं उसको बेसिक अगर क्लियर करना है तो भी सीख सकता है, और कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी आप लोगों को मिल रही हैं। देखिए एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है, यहाँ से ए बी व ए सी, क्वेश्चन सुन लेना, लैंग्वेज में था, ए बी व ए सी एक सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं जिनके मिड पॉइंट है पी और क्यू, इसका सेंटर ओ है, ओ पी व ओ क्यू को आगे बढ़ाया, ओ पी व ओ क्यू को आगे बढ़ाया ताकि वे एस इसको आर तथा एस पर टच कर सकें, ओ पी को आगे बढ़ाया जो आर पर टच कर सके, इधर एस पर, आर तथा एस के बीच जो बड़ी चाप है उसके बीच एक पॉइंट टी है, आर टी एस क्या होगा, अगर बी ए सी अपने पास दिया हुआ है, अगर
ये दिया हुआ है, जैसे कितने भी डिग्री मान लो, ये दिया हुआ है जैसे 40 डिग्री, वहाँ पर क्वेश्चन में जो एग्जाम में आया था वहाँ शायद 48 या ऐसा कुछ दिया हुआ था, जो भी हो अपने फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, फिर से वापस आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक अपने पास सर्कल में दो कोर्ड्स ए बी व ए सी बराबर नहीं है, दो कोर्ड्स हैं ए बी व ए सी, उनके मिड पॉइंट्स हैं अपने पास पी और क्यू, ओ इसका सेंटर है, ओ पी तो ओ पी और ओ क्यू को आगे बढ़ाया ताकि वो सर्कल को आर तथा एस पर टच कर सकें, आर तथा एस के बीच एक पॉइंट टी है, आर टी एस बताओ, अगर ये वाला एंगल 40 या 48 या 42 कुछ भी दे देगा, 30 डिग्री कुछ भी दे दे, उसे फ़र्क नहीं पड़ना। तो ध्यान रखना, या ये एंगल जैसे अपने पास दे दिया 32 डिग्री, जो एग्जाम में आया था वही लिख देता हूँ 32 डिग्री। तो सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज़ यहाँ से समझनी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि कोर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। बी एस सी 32 क्वेश्चन में गिवन है और आर टी एस की वैल्यू हम लोगों से आर टी एस पूछा है। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम मैं थ्योरी एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूं। तो ये अपने पास सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो मुझे बताओ पी इसका अगर सेंटर है और यहां से केंद्र है और सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाते ही 90, और ये अपने पास क्यू भी मिड पॉइंट है तो सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाते ही 90, ये अपने पास 90 हुआ, ये अपने पास 90 हुआ, ये अपने पास 32 डिग्री हुआ। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग क्वाड्रिलेटरल का चौथा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो 90 90 32, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये 180 तो ये भी 180, तो ये 32 है तो ये बचा 148, और ये अगर 148 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस इस आर्क द्वारा सेंटर पर 148 है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो आधा होगा 74 डिग्री। ये अपना आंसर है। मैं फिर समझाता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान देना बोर्ड पर। यहाँ पर इस प्रकार से है, कोशिश करना समझने की, अपने पास एक सर्कल, लैंग्वेज में क्वेश्चन था ए बी व सी डी, इसकी दो आर्क हैं, दो कोर्ड हैं, सॉरी ए बी व सी डी दो कोर्ड हैं, इसका सेंटर है ये ओ, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ए बी व सी डी दो आर्क हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बुकलेट से। ए बी व सी डी ऐसा है, दो कोर्ड्स हैं और ओ इसका सेंटर है, ओ सेंटर वाले एक सर्कल की दो कोर्ड्स ए बी व सी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ओ ए सी, अगर ओ ए सी जो है, ओ ए सी एंगल ओ ए सी अगर 25 डिग्री, जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ, ओ ए सी अगर 25 डिग्री है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी सी डी का मान क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि बी ए डी का मान क्या होगा या बी सी डी का मान क्या होगा, बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, ओ ए सी अगर 25 डिग्री है, ओ ए सी अगर 25 डिग्री है, यहां पर देखना, कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ ए सी अगर 25 डिग्री है, ये अपने पास 25 डिग्री दिया हुआ है और हम लोगों से वैल्यू पूछेगी बी सी डी, बी सी डी की वैल्यू बताइए, कैसे कर पाएंगे? देखो, दूसरे मार्कर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से आप लोग एक काम कीजिए, इसको इससे मिला दो, इससे इसको मिला दोगे तो ओ से सी तक भी रेडियस है, ओ से ए तक भी रेडियस है, तो इसके सामने कोण अगर 25 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला जो एंगल होगा क्या वो भी 25 डिग्री होगा क्या? ये अपने पास 25 डिग्री है तो ये भी अपने पास 25 डिग्री अगर है तो ये भी 25 होगा, और यहाँ पर तीसरा जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 25 और 25 50 है, तो क्या ये वाला एंगल 130 डिग्री आ गया क्या? और मैंने बताया दोनों कोर्ड्स जहाँ पर मिलती हैं, ध्यान देना बोर्ड पर, दोनों कोर्ड्स, ये मैं हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, दोनों कोर्ड्स जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर बना जो एंगल होता है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल मान लो वाई है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल मान लो y है, ये 130 है, ये y है, और दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर बना एंगल 90 डिग्री है, तो ये अक्स हो,
ये वाला एंगल निकालने का तरीका होता है दोनों के सम का आधा, तो ये वाला एंगल पहले से दिया हुआ 90, तो 90 बराबर होगा दोनों के सम का आधा, दोनों का सम 130 प्लस वाई, 130 प्लस वाई का आधा, तो दो गुना ये अपने पास हो गया, ये 130 है ये y है, तो यहाँ से y की जो वैल्यू अपने पास आ गई 180 डिग्री बराबर अपने पास आ जाएगा, 2 से इंटू करोगे 180 बराबर 130 प्लस y है, तो मुझे बताइए y की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या 50 डिग्री आ गई क्या? और y की वैल्यू अगर 50 डिग्री आ गई है तो बी डी आर्क द्वारा सेंटर पर 50 कैसे आया, जहाँ पर दोनों कोर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं अंदर की तरफ अगर इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पर बना एंगल 90 पहले से दिया हुआ है, वहाँ पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, ऐसा मैं थ्योरी में बार बार आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये वाई आ गया 50 डिग्री, और मुझे बताओ बी व डी के द्वारा हमें एंगल पूछा है बी सी डी, इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगा, मुझे बताओ इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 50 है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल आधा हो जाएगा, सेम आर्क द्वारा बी सी डी पूछा है हम लोगों को, तो सेम आर्क द्वारा ये अगर 50 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा ये अपने पास ये कंप्लीट एंगल ये होगा 25 डिग्री, और ये अपना आंसर है। मैं फिर से समझाता हूँ पहला तरीका, क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइप से ये 50 डिग्री ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोग ये बताइए डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा अपने पास, आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से मैं एक बार वापस बना देता हूँ, एक बार आपके लिए मैं फिर से बना रहा हूँ, इस प्रकार से एक सर्किल है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ये दोनों अपने पास सी डी व ए डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ए बी व सी डी कहीं भी बना लो आंसर दोनों से सेम ही आना है, ए बी व सी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री, ये इसका सेंटर ओ है, हम लोगों को ओ ए सी जो दिया हुआ है ये 25 डिग्री, तो इसको इससे अगर मिला दें तो ये भी अपने पास होगा 25 डिग्री, तो ये आ गया 130 डिग्री, ये 25 क्वेश्चन में गिवन है, आगे हम लोग ये 25 है रेडियस बराबर है तो ये भी 25 ये 130, आप एक काम कीजिए यहाँ पर इसको इससे मिला दीजिए, और कुछ करने के बजाय इसको इससे मिला दो, तो ये वाला एंगल इस आर्क द्वारा अगर यहाँ पर बना एंगल ये अगर 130 है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 65, सेंटर पर 30 है तो सर्कमफ्रेंस पर 65, ये 90 है ये 65 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बच गया 25 डिग्री, क्योंकि 180 होता है 90 65 25, और इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये अगर 25 है ये वाला एंगल 25 है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने ये वाला भी होगा अपने पास 25 डिग्री। तो जो थ्योरी कल और आज मैंने पढ़ाई थी उस पर बेस्ड मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए हैं, ताकि आपकी थ्योरी अच्छे से सोल्व हो, अच्छे से आप लोग उसको समझ पाओ, कैसे हमें यूज़ में लेनी है वो आप लोग समझ पाओ, बाकी क्वेश्चंस तो इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में करेंगे, जिससे एक बार थ्योरी क्लियर इससे हो जाएगी, वापस जब क्वेश्चंस करेंगे तो थ्योरी आपको वापस सारी की सारी थ्योरी मैं बताते चलूँगा कि ऐसा बताया था क्वेश्चन करूँगा, ऐसा बताया था क्वेश्चन करूँगा, तो 3-4 बार आपकी थ्योरी हो जाएगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में अगले लेसन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, ओके थैंक यू। ये वाला एंगल 25 है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने ये वाला भी होगा अपने पास 25 डिग्री। तो जो थ्योरी कल और आज मैंने पढ़ाई थी उस पर बेस्ड मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए हैं, ताकि आपकी थ्योरी अच्छे से सोल्व हो, अच्छे से आप लोग उसको समझ पाओ, कैसे हमें यूज़ में लेनी है वो आप लोग समझ पाओ, बाकी क्वेश्चंस तो इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में करेंगे, जिससे एक बार थ्योरी क्लियर इससे हो जाएगी, वापस जब क्वेश्चंस करेंगे तो थ्योरी आपको वापस सारी की सारी थ्योरी मैं बताते चलूँगा कि ऐसा बताया था क्वेश्चन करूँगा, ऐसा बताया था क्वेश्चन करूँगा, तो 3-4 बार आपकी थ्योरी हो जाएगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में अगले लेसन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, ओके थैंक यू।